तो है ना दोस्तों, अभी ध्रुव भाई ने मुझे एक बड़े ही दुखद खबर दी है। हमने यहाँ पे हमारा जो बेबी पिजन यहाँ पे बंद किया था, जो कि उसके ऊपर कैट या किसने अटैक किया होगा, शिकारी परिंदा हो सकता है भाई, मुझे तो लग रहा है। तो भाई ये ना यहाँ पे कैसे आ गया, ठीक है, अटैक करके भाई ये यहाँ पे आ गया। तो इसके ऊपर के ये देखो भाई, शिट 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 लग गया है उसको, निकल निकल उसको निकल बाहर, निकल लगा है उसको, देख ओ शिट शिट शिट, मतलब कहाँ से अटैक किया देख ले, पहले उसको यहाँ पर पकड़ा है, पूरा देख ले पहले, पूरा देख ले यहाँ पे पकड़ा है, बाद में यहाँ पर देख, यहाँ पर पंजा लगाया उसने, पंजा लगाया देख। तो है ना दोस्तों यार, इसके ऊपर है ना, मुझे तो लगता है ना बिल्ली नहीं अटैक किया होगा। तुझे क्या लगता है, बिल्ली नहीं अटैक किया होगा? बिल्ली या फिर शिकारी परिंदा, ट्रीटमेंट करते और उसको साइड में रखते। चल आजा बाहर, अच्छा बेबी यार बच तो गया, मेरे से क्या होना रात को ये पकड़ दो इसके। तू ना वो अंदर ट्यूब वो लगा इधर ना, सारी मेडिसिन रखी है इसमें, वो ट्यूब है ना पीछे वाला, वो उसमें अच्छे से लगा ऊपर से। यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, कल मैंने ये ऐसे बंद किया था ना, तो ये इतना ही बंद हुआ होगा, क्योंकि ना ये बहुत ऐसा लगता नहीं यार, ऐसे लग के ये खुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से बिल्ली आई होगी और बिल्ली आते ही उसके ऊपर अटैक किया होगा, और हमारी जो मुर्गी है भाई, हमारी जो लिली है, लिली ने उसके ऊपर फिर से अटैक किया होगा, तो बिल्ली भाग गई होगी और जो पिजन का बेबी वो बाहर निकल कर यहाँ से चढ़कर और यहाँ पे गया होगा, फिर ये यहाँ पे रात को सुरक्षित होगा, ऐसा मुझे लगता है। पर दोस्तों हमने थोड़ी हल्दी वगैरह लगा दी है। वेलकम बैक ऑल द डेजी फिश में, आप सभी का फिर से वेलकम। अबे यार लाइट चले गई, अरे आज क्या आ गई फिर से, तो आज क्या हो रहा है दोस्तों, आज लाइट जा रही है, आ रही पता नहीं यार क्यों, बारिश की वजह से हो रहा होगा आज ना दोस्तों। हमें आज क्या करना है भाई, आज आज हमारा रैबिट का सेटअप हमको क्लियर करना है, और हमारी कॉकटेल का सेटअप भी हमको क्लियर कर देना है, ठीक है। मतलब आज हमें ये दोनों सेटअप कंप्लीट कर देने, क्योंकि मुझे बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आप अपने कॉकटेल का सेटअप जल्दी करो। और ये देख सकते हो यार, हमने कलर करके अभी पूरा का पूरा सूख गया, और ये भी देख लेते हैं मटका सूखा होगा या नहीं, तो अरे पूरा सूख गया है। चलो उठा इसको, उठा और अंदर रख देते, चलो उठा आ जा इधर, आ जा तू अंदर जा, मैं तुझे तेरे पास देता हूँ, छोड़ दे जा अंदर। उई यहाँ पे कलर तो अभी लग रहा है यार, ये यहाँ पे सूखा नहीं, हाँ नीचे से सूखा नहीं, अच्छे से सूख जाएगा, चल धीरे जा अंदर। हाँ इस कोने में रख, इस नहीं, हाँ ये वाले कोने में रख, इधर है ना ईट का कर देंगे अपन, हाँ उनको आगे कर देना इधर, चल ब्लैकी, चल सुनो, चल हाँ ऐसा, और इधर ही कर, मेरे इधर ही कर ऐसा, हाँ ओके डन हाँ, जाएगी ना ब्लैकी, जा सकती है ना, देख ले एक बार, हाँ रैबिट से तो ही आराम से आ जा सकते हो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ऐसे रख दे, ओके डन। उनको लगना नहीं चाहिए, लगेगा तो नहीं रहे वो, फिर कचड़ा वगैरह है क्या, थोड़ा कचरा है निकाल, हाँ वो तू निकाल ले वो, और ये जो थोड़े बहुत पर वगैरह पड़े ना वो भी निकाल ले, मतलब बाहर इनको कोई दिक्कत ना हो। तो हमारे ध्रुव भाई का कहना है कि भाई हम सिर्फ ना मटके का घर यहाँ पे रखेंगे, मैं दूसरा घर भी बनाने का इनका ट्राई कर रहा था, बट यार भाई का कहना है कि यहाँ पे हम ईंटों का जो घर बनाएंगे, तो हमारी ब्लैकी बहुत ज़्यादा शरारती यार, वो ईंटों का घर तोड़ भी सकती हो, तोड़कर मतलब वो चढ़ गई तो और उससे टूट गया और उसके ऊपर ईंट वगैरह, नहीं यार वो रिस्क हम ले लेंगे। तो यार हम सिर्फ है ना हमारे ब्लैकी के लिए और स्नो के लिए सिर्फ ये वाला घर रखेंगे, मतलब हमारे जो ब्लैकी जब बेबीज वगैरह देगी तो वो मटके में आराम से दे सकती है। और नीचे ये देखो यार, नीचे तो सब मिट्टी तो गया, इनको खेलने के लिए बहुत जगह है। और हमारे सेटअप मतलब हमारे रैबिट्स के सेटअप में हम और कुछ अच्छी सी चीज़ें ऐड करेंगे, जो कि आप मुझे सजेस्ट करना कमेंट्स बॉक्स में। दोस्तों हमारा अभी प्लानिंग क्या हुआ, यहाँ पे बाहर से क्या लगाना, तो क्या बोला था यार, प्लाउड या कुछ होगा ना, वो प्लाउड ढक देंगे और छोटा ये कर देंगे, मतलब वो अंदर आ जा सकते हैं, हाँ, बना देंगे वहाँ, चल ठीक है। कहाँ है वो, दिखा मुझे कहाँ दिखा था, प्लाउड इसके दिमाग में बहुत ही अच्छी आइडिया आ गई ध्रुव भाई के, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। उसने मुझे समझा दिया कि ये जो प्लाउड है ना भाई, ये पीछे वाला निकल, ये देखो यार ये बारिश से पूरा खराब हो गया यार, बहुत खराब, हाँ ना यार देख पूरा मतलब पानी घुस गया ना उसके अंदर। तो अभी हम इसको हमारे कॉकटेल के जो बॉक्स है, बॉक्स के बाहर हम उसको लगा देने वाले। तो अभी तू ना ये पूरा निकाल ले, तू कर तेरे दिमाग, तूने जैसा दिमाग लगाया था ना वैसे कर, कल अच्छे से आगे से थोड़ा आगे करना, कर आगे। अबे यार इतने छोटे टुकड़े ना कर यार, अपने को ज्वाइन करने में दिक्कत हो जाएगी, फिर तू उनको ज्वाइन वगैरह कैसे करेगा, फिर इनको ग्लू लगा देगा। अरे अड़े यार तेरे तो अच्छा दिमाग चल रहा है, इतने में हो जाएगा और लग जाएगी तो आ जाएंगे। ओ भाई क्या है, ओ भाई साहब ये लो जी मैंने यहाँ पे रख दिया। तो यार ध्रुव मैं क्या बोल रहा, ये तो यार पूरे
टेढ़े मेढ़े यार, इनको कैसे करेगा तू सीधा यार, से बहुत हो जाएगा ना फिर। नीचे कुछ तो प्लेन लेंगे, फिर साइज में काट लेंगे और फिर उस साइज डायरेक्टली हम कोपरे कोपरे लगा देंगे। तो चल भाई, नहीं हुआ तो फिर से यार थकान हो जाएगी, कुछ भी नहीं। चल तो फिर अंदर जा, मुझे माप बोल, अपन माप से काट लेंगे। जा विदुर भाई का आइडिया है, देखते हैं भाई, जुगाड़ तो किया है भाई हमने। मैं सोच रहा था कि भाई हम है ना किसी उड़न वाले अंकल के पास जाएंगे और वहाँ से प्लाईवुड लेके आएंगे और उनसे ही बनवा लेंगे, बट अभी चलो यार भाई ने बोला कि यार घर पे ही हो जाएगा। कलर उसका थोड़ा लग रहा है। अच्छा अच्छा, अभी तक नहीं हुआ मतलब। ये पेन से तू क्या कर, सुन ना, ये पेन से उसका पूरा ना ये ले ले, हाँ उसका पूरा मतलब ऐसा पूरा ड्राइंग कर दे उसका, मतलब हम काटने में आसानी जाएगी। तो अभी हमारा ग्लू भी आ गया, अभी हम पूरा ग्लू लगा देंगे। अभी मेरे पास दे, मैं उसको काट के तेरे पास दे, तो ग्लू लगा के आके देख चिपक रहा होगा, नहीं तो फिर अपने को रिश्ते इतना ख़राब हो चुका है ना, इसे काटने भी की ज़रूरत नहीं पड़ी। ले आसिम ना, ये व्हाइट वाला ना पीछे जाने दे और जो ब्राउन वाला ना आगे जाने दे, फिर अपने ना कलर वगैरह कर सकते हैं उसको, नहीं तो व्हाइट वाला आगे जाने दे, अपन कलर कर देंगे उसको। ओके दोस्तों, एकदम परफेक्ट माफ में काटा है मैंने। और अभी तो क्या करना, साइड में पूरा ग्लू लगा दे, ठीक है लगाना, फिर जल्दी करना, ये सिर्फ कामयाब होना चाहिए भाई अभी। अरे हो जाएगा, तूने किया है तो क्यों नहीं होगा भाई। अबे इधर से गैप है, देख गैप ऊपर ढक दे, ऊपर कर ले थोड़ा, गैप रहेगा ना फिर वो कॉकटेल लेना भाई बहुत खतरनाक होता है, निकाल ये देख यहाँ से गैप हो रहा है ना, ये देख यहाँ से गैप हो रहा है, ऊपर कर दे, ऊपर चढ़ा देना, ऊपर कर ऊपर, हाँ ऐसा परफेक्ट है भाई। बड़ी दिक्कत हो गई यार। क्या दिक्कत हो रही है ध्रुव भाई? हाँ हमने ये आइडिया इस्तेमाल तो किया, हाँ इससे सक्सेस भी हो गया, हाँ लेकिन ये निकल रहा है, ठीक है। तो हमने एक आइडिया किया कि भाई अभी बाजार जाकर मैं ना खील लेके आता हूँ, और खील ना यहाँ पे ठोक देंगे यार, मतलब ये निकलेगा नहीं, ठीक है फिर खील लेके आता हूँ। तो अभी मैं बाजार जाकर ना खील तो लेके आया, ओए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा किस तरह से? हाँ परफेक्ट परफेक्ट आ जाएगा। ला ज़्यादा हो गई क्या दोस्तों? हमने अभी एकदम परफेक्ट से भी ज़्यादा परफेक्ट इसको एडजस्ट कर दिया है, तो अभी ये निकलेगा भी नहीं, ठीक है ना? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। ओके ठीक है, फिर जल्दी जल्दी कर। और है ना सुन ना, एक और ये दूसरा, ये दोनों बॉक्स हमें खाली रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे हम उनका पानी वगैरह रख सकेंगे, ठीक है? पानी हमें नीचे तो नहीं रखना है यार, उनको ऊपर ही आदत लगाएंगे। और नीचे यार क्यों, कॉकटेल थोड़ी ना घर बनाएंगे यार, नीचे चार काफ़ी हो गए हमारे पास, सिर्फ दो ही पेयर है ना, चार उनके लिए काफ़ी हो गए। तो दोस्तों हमारा पूरा काम कम्प्लीट हो गया, तो ध्रुव भाई अभी क्या करना है अगला स्टेप? अगला स्टेप यार इनको सिर्फ कलर करना होगा, बाकी कॉकटेल छोड़ने भाई क्या करना है, सिंपल है। और सुन ध्रुव, ये दोनों टब्स है ना, एक यहाँ पे रख दे और एक यहाँ पे रख दे, और इन टबों में अपन क्या करेंगे, उनका जो फूड वगैरह है ना उसे रख लेंगे, ठीक है? क्योंकि यार दोनों बॉक्स क्यों क्या काम के है ना, पूरा एक सेट मुझे देख लेने, तो हम बाजार जाकर बड़ा टब लेके आएंगे, हो रहा है ना सेट? बहुत अच्छा। ओके और उधर भी कर ले एक, उसमें पानी भर देंगे और इसमें ना उनका खाना रख देंगे, और नीचे भी रखेंगे, ये सिर्फ हम इमरजेंसी के लिए रख देंगे, और नीचे हम अलग सा रखेंगे इनके लिए, ठीक वो कर रहे हैं सब। हाँ अभी सुनना, ये वाला भी ना कितने पर हो गया यार, यहाँ पे भी ना, यहाँ पे अपने ना ये ग्रीन लगा देंगे यार, ठीक है ना? क्योंकि फिर यहाँ पे उनके पर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पिजन से ना बहुत ज्यादा पर नीचे गिर आते हैं भाई, ये देखो भाई एक दिन के उनके पर कितने वहाँ पे जमा हुए। तो हमारे जो घास वाले अंकल है ना यार, दो तीन दिन से बहुत ज्यादा छुट्टी पे रह रहे हैं, और ये देखो यार कितनी कम घास दी यार, ये सिर्फ हमारे गिनी पिक को ही यार इतनी। चलो फिर हमें ना घास का कोई जुगाड़ करना होगा, चलो गिनी आ जाओ, हे बड़ी क्यूट इज, खा लो, चलो 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 खा लो खा लो खा लो, है ना? मैं रैबिट्स को देता हूँ और शाम को, और हम घास लेके आएंगे। वही स्नो और ब्लैकी पता है, ये दोनों यहीं पे होंगे, स्नो और ब्लैकी, ये स्नो और ये ब्लैकी। चल ब्लैकी आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, चल यहीं पे खा ले आज। निकल आया बाहर, अंदर कैसे लगा, थक गया? अभी सुनना, अभी अपने को क्या करना है, चल मैं बताता, चल 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 चल। दोस्तों हमें एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम करना है, पहले मैं ऊपर जाता हूँ। अभी हमें ना ये वाली अपनी जो बर्ड्स की जितनी भी रैक है ना, ये सारी की सारी हमें लेके जानी है नीचे। क्यों? बिल्ली आती है, बिल्ली। हाँ बराबर बराबर, अरे यार से, हाँ वही, इसी के लिए हमें ये नीचे लेके जाना है, ठीक है? चलेगा, समझा? तो ठीक है, और नीचे कहाँ पे रखेगा? नीचे चल तुझे बता दो, चल वो भी देख ले पहले। नीचे अपने को वो यहाँ पे रखना है, ओके? ये वाला जो है ना ये ऊपर लेके जाएंगे, और यहाँ पे रहेगा हमारा बर्ड्स वाला सेक्शन, ठीक है? ओके डन, ये सब समझ गए तुझे? तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है यहाँ का जो ये क्लीन है ना, ये सारा क्लीन कर देंगे, फिर हम नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि घर वाले भी कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है? ओके डन।
हमारे जितनी भी बर्ड्स की वगैरह जितनी भी गंदगी थी, हमने सारी ना हमारे प्लांट्स को यहाँ पे लगा दी खत के तौर पर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है भाई, ये हमको ये सारे केज यहाँ पे नीचे रख देने, ओके, और फिर बाद में सारे खाली हो गए ये रैक लेके जाएंगे एकदम परफेक्ट। तो तेरा क्या प्लानिंग था, ये रैक का पूरा साथ में लेके जाने? हमारे जो रैक थी वो हम नीचे लेके गए, बट एक इम्पोर्टेंट बात है यार, हमारे जो बटेर है ना, ये बटेर हमारा ये भाई लेके जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम ये पकड़ में यार बहुत ज्यादा भारी यार है, केज पकड़ उधर ले, मेरी ये दोस्तों हमने सारे केज यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और हमारे जो रैक है वो शिफ्ट कर दिया। अभी हमें ये वाला जो है ये अभी हमें ऊपर लेके जाने हैं, ये इस वाले रैक में क्या रखेंगे वो बाद में बताऊंगा, और इसमें तो पता है यार बर्ड्स ही रहेंगे। दोस्तों अभी ये हम ऊपर ले जा रहे हैं, चल उठा ना भाई, क्या कर रहा है यार, ये बहुत ज़्यादा भारी यार, वो हल्का था ये ज़्यादा भारी, उठा भाई उठा, उठा ना यार क्या कर रहा है, उठा, ओह यार हिल भी नहीं रहा यार। वो रैक थी हमने सक्सेसफुली यहाँ पे रख दिए, और अभी इस रैक पे क्या आने वाला है वो रहेगा भाई सरप्राइज। और रुक क्या हुआ, डोनेट इधर हमारे पास, क्या हुआ भाई, हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है भाई, क्या सरप्राइज है, टाइटी ने बेबीज दिए भाई, ये देख भाई, ये देख ये देख ये देख ये देख, पिछले हफ्ते बिच दिया और ओ चा वाली वो ब्लैटी थी, हां वो दूसरी वाली थी यार, हां यार उसने एक बेबी तो बहुत अच्छा है भाई, देख 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 नीचे देख नीचे देख देख रेड वाला, सुन ना मैं क्या बोल रहा, यहां के सारे बेबीज है ना, जितने भी न्यू बेबीज है ना, नहीं नहीं सुन सुन अभी डिस्टर्ब ना कर, क्योंकि ना इधर पूरे नहीं दिए यार, इधर हां चार पांच दिख रहे हैं और दे रही होगी, तो अभी क्या करना है, ढक देते अपन पूरा, अंधेरा कर देते यहां पे, फिर से वो दे देगी, किया गया, हां किया किया, ओके डन। ये ब्लैटी फिश को मैंने फिर से ढक दिया है, क्योंकि ना अभी इतने सारे बेबीज ने दे दिए कि हम उनको कैच कर दे तो वो और बेबीज देंगी, इसके लिए मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। स्नो भाई इन्होंने सारी घास यहाँ पे खा ली, और देखो यार चलो इनको बाहर निकल, ध्रुव उनको बाहर निकल ना, स्नो और ब्लैकी को उनके केज में इनको ऐड कर देते हैं, क्योंकि ना दोस्तों अभी ना बारिश का जो क्लाइमेट है फिर से हो गया, ये भी आ गए दोनों स्नो और ब्लैक के, तो एक बड़ी दिक्कत हो जाती है हमारे लिली को लेकर, क्योंकि हमारी लिली बेटी है भाई अंडों पे, तो देख सकते हो तो अंडों पे बेटी यार, बट एक बड़ी दिक्कत हो जाती है कि यहाँ पे हमारे जो कॉकटेल हम यहाँ पे ऐड करने वाले इस केज में, भाई कॉकटेल और हमारी लिली साथ में नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे भाइयों ने कमेंट्स में बोला था कि भाई आपकी लिली और कॉकटेल साथ में नहीं रह सकते, तो भाई ने एक आइडिया निकाल के खोजी कि भाई हमारे जहाँ पे कॉकटेल पहले रखे थे ना वहाँ पे हमारी जो लिली वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, और यहाँ पे हमारे कॉकटेल हम फिर से ऐड कर देंगे। ध्रुव सुनना बोलना, वो जो अपनी लिली ना वो निकल, और तूने जैसी आइडिया लगाई थी ना वैसे उसको वहाँ पे लग गया, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है हमारी लिली से, आजा तू आजा बाहर यार, बेटी की ना लिली वहाँ पे, बेटी की तू चल लेके जा धीरे भाई, चल 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 चल। तो यार हमारी जो लिली ना यार सिर्फ वहाँ पे बैठनी चाहिए, एक मिनट कोई रख दे, सुन मेरी बात, यहाँ पे रख उसको, यहाँ पे रख नीचे, हाँ अभी पहले कॉकटेल उठाते हैं फिर वहाँ पे लेके जाते हैं। यार शोर ना करो यार, बहुत ज़्यादा शोर करते यार ये, चलो 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 रख दे, ओके ठीक है ना, हमारी लिली को रख के आता हूँ, अभी छोड़ माता, काटना मत यार प्लीज, मैं तेरे पीछे से पकड़ता हूँ, हमारी लिली अच्छी यार काटती तो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी लिली आज से बैठेगी थोड़े दिनों के लिए, ठीक है लिली, तेरे लिए मैं पानी वगैरह सब रख दूंगा यहाँ पे, सिर्फ उठना मत यार, ठीक है ना, अच्छे से अंडे संभाल लेना। दोस्तों आज वो वक्त आ ही जाता है हमारे कॉकटेल यहाँ पे छोड़ने का, क्योंकि मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे यार आप जल्दी जल्दी छोड़ो, तो आज वो वक्त आ ही गया है। चलो भाई ध्रुव भाई क्या देख रहे हो यार, जल्दी जल्दी छोड़ो यार उनको, एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ देखा है, ओ भाई यहाँ पे अंडे दिए हुए हैं बट ये अंडे ख़राब हो चुके हैं, कुछ काम के नहीं, अंडे ख़राब हो चुके हैं, उनके ऊपर है ना मक्खियाँ बैठ रही है यार। मैं तो
नहीं पकड़ूंगा भाई इनको, ये बहुत ज्यादा काटते हैं यार। हमारे जो कॉकटेल हमने वो सक्सेसफुली अंदर छोड़ दिए। ब्रो यहाँ पे बैठे और एक यहाँ पे बैठा है, मतलब ये दोनों का पेयर है और वो इधर का और ये नीचे का इसका पेयर है। और इस कॉकटेल के लिए हम बहुत ही जल्द इसका एक साथी भी लेके आएंगे। मैं बोलता हूँ इनके लिए ना पानी और उनका जो दाना वगैरह तो ना वो रख देते हैं। ओके एक मिनट, ये केजो का क्या करने का है भाई? ये केज क्या करने का इनका? इसमें भी कुछ रख देंगे यार अपन, ठीक है? अभी तो फिलहाल के लिए रख देंगे इसे, इनके लिए बाद में सोचेंगे क्या लाना है। ओके एक दो दिन इनको यहाँ पे अच्छे से सेट होने के लिए लग जाएंगे, तो सेट हो जाने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छे खेलेंगे कूदेंगे, ठीक है? दोस्तों अभी हो गई है इवनिंग और ये देख सकते हो भाई हमारे पाँचों के पाँचों कॉकटेल इधर आ गए। तो यार इधर आएंगे तो यार इधर बिल्ली अटैक कर सकती है यार इनको, एक बड़ी टेंशन हो गई है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे हमारे केज है ना ऐसे लगा दूंगा, मतलब बिल्ली वगैरह इधर आएगी नहीं और इनको एक प्रोटेक्शन हो जाएगा। और दोनों टर्टल्स आज मैंने बाहर रख दिए थे, तो अभी इनको मैं पानी में छोड़ देता हूँ थोड़े से। चलो जाओ 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 जाओ, तू क्या कर इसमें लेके जा बटेर को। ओके हमारे जो बटेर है ये यहाँ पे ऐड कर दी, तो ये केज है वापस लेके आ, मुझे वो टर्टल्स के लिए लगता है। ओके ये हमारे दोनों टर्टल्स को मैं अंदर रख देता हूँ। ठीक है दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, और वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज की जो वीडियो थी भाई बहुत ही ज़्यादा थका देने वाली थी, तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।